गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम नूपुर। आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में एरोमा मैजिक के अंडर आई जेल क्रीम के बारे में बताया था कि वो बहुत अच्छी है। वैसे ही मैंने इसके और भी प्रोडक्ट यूज़ करे तो गाइस वाकई ही वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये क्रीम मंगाई है। ये क्रीम है एरोमा मैजिक की विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल। इसमें SPF 30 दिया हुआ है, तो इस आपको धूप में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो गाइस ये आपकी स्किन को लाइटन रखता है प्लस ग्लोइंग रखता है। इसमें जैसे कि लिखा है ये जेल क्रीम है, तो आपके फेस में बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई चिपचिप ग्रीसीनेस कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत लाइट वेटेड होगा, बहुत सूदिंग सा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फेस पे अपने कुछ अप्लाई भी किया हुआ है। विटामिन सी बहुत फ़ायदा भी करता है आपकी स्किन के लिए, प्लस जो आपकी स्किन में जो डैमेज हो जाता है वो इसको भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो ये क्रीम बिल्कुल वैसा काम करती है, प्लस आपकी स्किन पर ये ग्लो भी लेकर आती है। ये आप मॉर्निंग में, नाइट में आप कभी भी लगा सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पहले इस क्रीम को अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रीम को लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत सूख गई है, क्योंकि ये जेल बेसिस है तो ड्राई हो जाएगा, या आपकी ड्राई स्किन है तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी इसको लगाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी ये ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसको 10 में से 10 दूंगी। मेरा जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो एरोमा मैजिक का कॉफ़ी बीन स्क्रब है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये स्क्रब बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन को स्किन में ग्लो लाता है। आप इसको एक बार भी यूज़ करेंगे, आपको एक बार यूज़ करने के बाद ही वो इफ़ेक्ट जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है ये कॉफ़ी स्क्रब, तो ये से इसकी जो फ्रेगनेंस है वो कॉफ़ी की तरह है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। देखिए ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ब्राउन कलर में है ये, वेट, ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ब्राउन कलर का है, कॉफ़ी कलर में ही है, फ्रेगनेंस के कॉफ़ी के। इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, आप स्क्रब करेंगे तो आपको फील होगा। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, हार्श पार्टिकल्स नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ भी है। बस मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये आपको एटलीस्ट 1-2 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है अपने फेस पे हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहिए तो ऐसे आप मसाज करने के बाद इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक अपने फेस पे लगे रहने दीजिए, उसके बाद इसको वॉश करिए। हो सकता है आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, बट मुझे पर्सनली डिफरेंस पता चल रहा है। स्किन भी स्मूथ हो गई है काफ़ी। कई सारे गाइस स्क्रब्स होते हैं, आप उनको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है, बट इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ भी रहेगी। कई बार आपको लगेगा कि आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, पर असल में आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया होगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने ये स्क्रब किया था, उसके बाद मुझे लगा कि मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मैं भूल गई थी, अपनी बेबी में बिजी हो गई थी, बाद में मुझे याद आया मैंने तो मॉइस्चराइज़र लगाया ही नहीं था, क्योंकि स्किन आपकी इसमें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, स्किन आपकी अच्छी रहेगी। तो गाइस मेरा जो थर्ड प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाया था वो एरोमा मैजिक पेपरमिंट एक्सफोल जेल है। जेल भी बहुत अच्छा है, इसको ये भी एक तरीके से स्क्रब की तरह ही काम करता है, और इसमें पेपरमिंट है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ठंडक देगा। अगर आप इसको अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको अपने आप इसमें पेपरमिंट की स्मेल भी आएगी, जैसे मिंट की जैसे स्मेल होती है, मिंट की स्मेल आएगी, प्लस जैसे मिंट से आपको रिफ्रेशमेंट और ठंडक ठंडक सा लगता है, वैसे आपको इसको लगाने के बाद ठंडक ठंडक लगेगा। और ये जेल बहुत अच्छा है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके का जेल है ये। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है जेल, आप देख पा रहे होंगे इसमें। बस इस जेल को लगाने के बाद अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए। भी ऐसा लिखा है कि आप इसको इस स्क्रब को लगाने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, लेकिन अगर आपको और अच्छा इफेक्ट चाहिए तो एटलीस्ट 10 मिनट तक इसको अपने फेस पे लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसे आप अपने फेस पे, नेक पे आप अच्छे से इसको मसाज कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप देखिएगा, मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसे वॉश कर दिया तो मैं वॉश की जगह इस टाइम टिश्यू पेपर प्रेफर कर रही हूँ, बट आप वॉश करिएगा क्योंकि मुझे वॉश करने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे स्किन मेरी
ये देखिए बहुत, इसमें तो आपको एकदम क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा इस हाथ का और इस हाथ का। तो मैं इस प्रोडक्ट को भी 10 में से 10 दूंगी। सारे प्रोडक्ट्स purple.com से ऑर्डर किए थे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आपके सारे प्रोडक्ट्स के, तो अगर आपको भी ये लेना हो तो आप आराम से इसके ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो कुछ यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।